नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपको पता होगा SSC CPO का जो है कट ऑफ जो है फाइनली आज आ चुका है। ठीक है, SSC ने कट ऑफ जारी कर दिया SSC CPO का। ठीक है, तो उससे आप लोगों को एक मैं यहाँ पर ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका SSC GD, ठीक है, SSC GD का जो आपका कट ऑफ है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पर भी मैं यहाँ पर जो है लास्ट में जो है पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है SSC की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो SSC.NIC.IN पर जो है आप जाएंगे तो पहली जो आप चेक किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पर आप जो है यूजर नेम और जो पासवर्ड डाल के भी जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो आप जो है नीचे आपको नोटिस मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आज की डेट में जो है दो नोटिस आए हुए हैं। ठीक है, 25 को जो है दो नोटिस आए हुए सब इंस्पेक्टर और जो है स्टेटस रिपोर्ट रिजल्ट डिक्लेयर। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है तो यहाँ पर पूरी जो है सारणी आप लोगों को मिल जाएगी। तो SSC CPO, ठीक है, SSC CPO का जो है वो कटाप आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है इसे डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ मेल फीमेल आपका कितना क्या कट ऑफ गया है, सभी चीजों को यहाँ पर डीपली देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है कट ऑफ की ओर लेके चलता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ आप कितना क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की और उसके बाद बात करेंगे मेल की। ठीक है, तो आपका फीमेल जो लिस्ट बनाई है उसमें जो है आपका कट ऑफ मार्क जो है 110.31 गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ST के लिए, ठीक है, SC का जो गया कट ऑफ, वहीं SC की अगर बात करूँ तो 99.50 यहाँ पर कट ऑफ गया है। ठीक है, वहीं OBC का देख सकते हैं 127.51 कट ऑफ गया है और जनरल का 137.7 कट ऑफ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट थे, 386 थे, यहाँ पर 237 थे, यहाँ पर 812 थे और यहाँ पर 735 थे। ठीक है, टोटल जो थे वहाँ पर 2170 जो है कैंडिडेट थे। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कुछ लिखा है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है। ठीक है, 25 SC, 12 ST एंड 384 OBC कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एवं जो आपका जनरल है, ठीक है, हैव बीन जो साउंड अंडर थ्री जो रिस्पेक्टिंग और जो है कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ नोटिस बोला है वो क्या है कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 SC और 12 ST और जो है 384 OBC कैंडिडेट क्वालिफाइंग बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड हैव बीन जो साउंड अंडर थ्री रिस्पेक्टिंग कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों से जो आपका जो सीट बचती है, ठीक है, उनकी जो सीटें थी उसके हिसाब से जो यहाँ पर आपका जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। वहीं यहाँ पर मेल कैंडिडेट का देख सकते हैं SC का 114 गया है। ठीक है, वहीं ST का जो है 111, वहीं OBC की बात करूँ तो 133 आपका जो है कट ऑफ गया और जनरल जो है 140 कट ऑफ गया। ठीक है, तो एक सर्विसमैन का जो है आपका यहाँ पर जो है 59 कट ऑफ गया है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो है अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये आपका SSC CPO का कट ऑफ गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके SSC GD के कट ऑफ पे। यहाँ पर जिस प्रकार से इसका कट ऑफ गया, देखा आप लोगों को पता है इसका जो है एक टोटल 150 नंबर का जो है पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फीमेल की अगर बात करूँ तो 137 नंबर है और यहाँ पर जो आपका मेल की बात करूँ तो यहाँ पर 140 हाईएस्ट मतलब कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आपका SSC GD का कट ऑफ थोड़ा सा आप लोगों को हाई मिल सकता है इस बार। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपके अगर अच्छे नंबर है तो ही जो है रनिंग की तैयारी करें। अब नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं हुआ है अभी, तो SSC GD के कट ऑफ में थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर वहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी से जो है ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, अपनी तैयारी को बेस्ट रखना है। ठीक है, तो ये आपका SSC CPO का कट ऑफ हो गया। अगर कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो आप लोगों को मिल जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।